Okay, ma'am, so firstly, congratulations. The kind of response your song has got is terrible. Thank so you. So, what do you want to say about it? I want to say thank you. बहुत ज़्यादा gratitude और बहुत ज़्यादा thankful हूँ कि लोगों ने बहुत प्यार दिया है और इतने सारे views, you know, इतने अच्छे अच्छे comments और गाना trend भी कर रहा है. It means a lot to me. कि एक छोटे से चैनल, यू नो, इतना बड़ा चैनल भी नहीं है, उससे इतना ज़्यादा, यू नो, लोगों ने भी बहुत प्रमोट किया है. सो इट मीन्स अ लॉट. और केसरी सर के साथ काम करने में किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है आपका? हमने बहुत काम किया है साथ में और आज से नहीं, सालों से हमने साथ काम किया. आई थिंक 2012 या 13 से हमने, यू नो, फिल्म स्टार्ट किया था करना और उसके बाद थोड़ा ब्रेक हुआ और फिर से हम आए हैं दर्शकों के, यू नो, डिमांड पे, भारी डिमांड पे. सो बहुत ही एनर्जेटिक हैं, बहुत अच्छे हैं और हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है और लोगों को बहुत पसंद आती है. तो अब तो लोग, यू नो, हैशटैग जहर जोड़ी भी दे रहे हैं. सो ग्रेट. होली का थीम है, होली में लाइक कलर है, केसरी सर साउथ इंडियन कैरेक्टर में, तो क्या कुछ प्लानिंग था जब ये गाना जब शूट हो रहा था उससे पहले, क्या कुछ प्लानिंग था? गाना जब शूट हुआ, आई डोंट बिलीव, हमने बहुत ही फटाफट सब तैयारी की और, यू नो, रातों रात गाना गाया और हुआ कि भाई शाम में एक टैग लाइन मिला जिसका नाम था बवाल करेंगे और फटाफट गाना बना और हमने डिसाइड किया कि चलो रिकॉर्ड करते हैं. रिकॉर्ड किया और फिर दो दिन के अंदर हमने प्लानिंग की सारी शूट करने की, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो बिजी विथ हिज शूटिंग एंड ऑल और मैं भी अपनी कुछ व्यस्तता में थी. बट हमने बहुत अच्छा किया और उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया. यू नो, हमारी बात ही यही हुई थी कि एक चैनल, यू नो, आप एक गाना मेरे चैनल के लिए करेंगे और मैं एक आपके लिए. सो कोलैब काइंड ऑफ अ थिंग. सो बहुत अच्छा हुआ और लोगों का बहुत प्यार मिला. तो हमने बहुत ज़्यादा ड्रेस भी चेंज किया गाने के अंदर और बहुत फट एक दिन के अंदर शूट किया हमने. एंड केसरी सर को पहली बार किसी ने साउथ इंडियन गेटअप में देखा, इज लुकिंग वेरी वेरी, मैं तो बोलूँगी बहुत क्यूट लग रहे हो, बट एट द सेम टाइम पीपल आर लविंग हिम. एंड हाउ डू यू बिलीव, लाइक वी लिव इन सोशल मीडिया लाइफ, तो एक गाना प्रमोट करने के लिए वी टेक अ हेल्प ऑफ सोशल मीडिया. सो किस तरह का हेल्प आप लोगी सोशल मीडिया का? व्हेन यू सोशल मीडिया का, देखो, मुझे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि लोग खुद ही मेरी हेल्प बहुत करते हैं और बहुत प्यार देते हैं मेरे किसी भी गाने को, यू नो. तो हम लोग लगे हुए हैं रील्स प्रमोट करने के लिए या गाने को, यू नो, और ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करे, उसके लिए मैं और खेसारी जी दोनों ही प्रमोट कर रहे हैं और साथ ही लोग जितने फैंस हैं उनके फैंस हो गए, मेरे फैंस हो गए, सब मिलके एकदम लगे हुए हैं गाने को, यू नो, प्रमोट करने के लिए. सो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है. और मैं OTT प्लेटफॉर्म्स की मैं बात करूँ तो आपको कब OTT प्लेटफॉर्म्स हम देख पाएंगे? OTT प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो अभी जस्ट आई हूँ, थोड़ा सांस लेने दो यार, कुछ दिनों बाद फिर से करूँगी. सो उसके अलावा जो काम है वो कर रही हूँ. बहुत सारी फिल्में थी जो लाइंड अप थी, वो सारी कंप्लीट कर रही हूँ, उसके बाद सोचा जाएगा. And you have a old relationship OTT. मैं Big Boss OTT की बात करूँगा. तो एक और शो आने वाला है जो भी OTT में ही है, लॉकअप. क्या आपको अप्रोच किया गया और किस तरह से देखते हो? और सबसे बड़ी बात कि कंगना मैम होस्ट करने वाली है उसको. I love her. मैं यही कहूँगी. और लॉकअप अभी तक तो आया है नहीं, but अगर आएगा तो I'll think about that. And what about other reality show, Big Boss? कोई ऐसा reality show which you like to do? Reality shows, अगर कुछ ऐसा आता है, Big Boss से बड़ा तो कुछ है नहीं, but अगर आता है तो definitely I will. And हाल ही में अफसाना जी की शादी में आपने काफी enjoy किया, क्या कुछ कहना चाहोगे? बहुत सारे आपके पुराने मित्र भी मिले, नए कुछ दोस्त मिले, क्या कुछ कहना चाहोगे मैम? बहुत अच्छा लगा शादी में जाके और बहुत सारे लोग ऐसे भी मिले जो जिनसे मैं कभी मिली नहीं थी, लेकिन फिर भी एक दिन में, यू नो, बहुत अच्छा बॉन्डिंग हमने शेयर किया और ऐसा लगा रिश्ता बन गया एक दिन के अंदर. तो
बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, यू नो, बहुत ही पॉजिटिव माहौल था, बहुत मस्ती भरा, नाच रहे थे हम लोग, बस सुबह से उठ के रेडी होके, यू नो, पिक्चर्स क्लिक करना और वीडियोस बनाना, डांस करना, फुल फन. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, प्रतीक सेजपाल के दो नए गाने आए, क्या आपने वो गाने देखे? हाँ जी देखे, मैंने देखा और मैंने शेयर भी किया है और बहुत अच्छे लग रहे हैं वो. मैं चाहती हूँ कि और भी अमेजिंग वीडियोस आए उनके और यू नो बहुत बड़ा नाम बने. एंड जब उनको बिग बॉस में जब वो सेकंड है, काफी इमोशनल थे, कुछ बातें हुई उस चीज पे, चर्चा हुई आपकी? हाँ जी बात तो हुई और चर्चा क्या, टॉप टू में पहुंच गए, उससे बड़ी जीत और कुछ हो नहीं सकती है. दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है और लोगों ने यू नो बहुत उनको सराहा है, जो भी वो घर के अंदर थे. सो इससे बड़ी जीत और कुछ हो नहीं सकती है. And apart from this, what kind of project you are looking forward? Like, what you want to explore? Projects as in बहुत सारे, you know, albums तो आ रहे हैं, but ये तो back to back चलता रहता है, you know. और इसके अलावा web series की planning है और बहुत सारी filmें हैं lined up, जिसके लिए मेहनत कर रही हूँ. I have to lose weight, so working hard. गली गली में धमाल करेंगे अब, होली में मेल के बवाल करेंगे. हाँ